Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Om Namah Shambhavai Mayopai Namah Shankarai Mayaskarai Namah Shivai Shivatarai Om Namo Namo Namah. बोलता क्यों नहीं? घर कहाँ है तेरा? मैं नया हूँ, गांव से आया हूँ। तो यहाँ क्या करने आया है? प्यास लगी थी, थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी? गांव का कुआं तालाब से सूख गया था जो यहाँ पानी पीने आया है। छोटा कहीं का, चल भाग यहाँ से। जाते रहो। खबरदार, फिर अगर यहाँ दिखाई दिया, हड्डी पसली तोड़ दूँगा।
समझे? बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। सच है क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा,
उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या? जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी, जहर ने मारा जहर को, मुर्दे में फिर जान आ गई। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है। पैट्रिक बाबूजी, वहां पे था मेरा बटुआ मर गया, आपका लोट गिर गया था, और तुम मुझे वापस कर रहे हो। तुम तो धर्मराज के सजम भाई मालूम होते हो यार। अच्छा, इसी बात से तुम भी क्या याद करोगे, एक सिगरेट पी जाओ। बाबूजी, सिगरेट पीड़ी मुझे नहीं आती। सिगरेट नहीं आती थी, अच्छी बात है। ये देखो, तुम कल रेस में चले जाना, वहाँ फ्लाइंग एलिफेंट गोवा है, उसको खेल देना, और बहुत जीत जाओगे तुम, ये लो। बाबूजी, मैं जुआ नहीं खेलता। तुम बड़े खुश के हो यार, आखिर तुम चाहते क्या हो? बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी। पानी? अरे सर्दी में ठंडा पानी पिएगा तो निमोनिया हो जाएगा। ये जो पैसे है ना तेरे पास, इससे विस्की, ब्रांडी, थर्रा, ताले, जो कुछ मिले एक पौवा चला जा। बाबूजी, मैं नशा भांग नहीं करता। नशा भी नहीं करता तू? अरे तब तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं अपनी बीवी को बताना चाहता हूँ कि जो आदमी दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, उसका भी ये हाल है। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो, टैक्सी। तू चलना यार मेरे साथ, मेरी बीवी ने मेरा नाक बंद कर रखा है। कभी कहती है दारू मचती है, कभी कहती है जुआ मचती है, कभी कहती है चलता हूँ कहीं जाना है। इसको जाने आओ भाई, आओ ना, चलो इधर। घर ही ले चलो साहब। घर नहीं, बहुत जगह जाऊंगा। चोर कहीं का? अरे तुम हाथ तो धो, इधर आओ ना मेरे साथ। अच्छा तो तुम मेरे पीछे पीछे आना। Thank you.
कौन है रीजन, कौन है, क्या करते रहे? अंधेरे में ना बाबा तू जा, आजकल के डाकू का क्या भरोसा, उसके हाथ में स्टैन गन, रिवॉल्वर, एसिड बल्ब और भी कुछ हो सकता है। बाबा बाबा मैं तो इतने अंधेरे में नहीं जाता, तू जा बस। दिल जल्दी
मैं हाँ बस दिल दिल मारेगा कैसे? हाँ? जैसे ही हाथ उठाया मैं भी फड़े से सब एक साथ अंदर चले चलो चलिए चलो चलो डरने की कोई बात नहीं है भाई चलो ना अरे भाई एकता में शक्ति है चलो चलो एकता में शक्ति है खबरदार जो अपनी जगह से हटने टांग तोड़ दूंगा बोल देता हूँ क्यों तो जा बाबा क्यों भाई अरे भाई शीशे के धोखे से ही भाग खड़े हुए अगर सचमुच कोई सामने आ गया होता तो ये भी क्या बात है भैया अगर शीशे का ही धोखा था तो ये मसहरी की रस्सी किसने तोड़ी कैलाश बाबू कहाँ गए अरे वाकई कैलाश बाबू कहाँ गए भैया ये नाम है मेरी बेटी कहाँ है सती सती संभाल के सती सती मेरी बेटी क्या हुआ तुझे जी कुछ नहीं घबरा कर बेहोश हो गई थी तुम यहां क्या कर रहे हो कितनी बार तुमसे कहा खबरदार जो तुमने मेरी चौखट पर पांव रखा जी वो चोर आया था ना इसलिए चोर आया था तो तुमसे क्या मतलब हमारा घर है चोर आया डाकू आया जिसका जी चाय आया मगर तुम कौन होते हो अजीब बदमाश तरीके की मत घर में गड़बड़ देख के मेरी बेटी कुछ नहीं आया था तुम्हें तो डाजी तुम निकल निकल मेरे घर से कैलाश बाबू खामखा क्यों खफा हो रहे हैं वो चोर आया था ना इसीलिए जमीन चोर नहीं आया था हाथी आया था चोर आया था तो है कहाँ आखिर कहाँ है चोर आप सवाल तो यही है समझे कि नहीं कि चोर है कहाँ आखिर चोरी तो था कोई छलावा तो नहीं लगते जा बाबा लेकिन चोर घुसा था इसी फ्लैट में मैंने अपनी आंखों से देखा सच कहता हूँ आपकी कसम अरे भाई देखो इतने लोग घुसाए हैं इस कमरे में हो सकता है कि कोई इन्हीं में से चोर हो ठीक कहते हैं शशांक भैया बिल्कुल ठीक देखो भाई मेरी राय मानो तो समझे कि नहीं कमरे का दरवाजा कर दो बंद और एक एक को पहचान कर बाहर जाने तो समझे कि नहीं अब इनमें से अगर कोई चोर हुआ तो समझे कि नहीं ठीक बिल्कुल ठीक अरे दादी सुनिए सुनिए आप लोग सब लाइन में खड़े हो जाइए चोर पकड़ना होगा सर लाइन में खड़े हो जाइए ना दादी साहब ए भूतो बाहर दरवाजे पर खड़ा हो किसी को बाहर जाने मत देना जी अंदर जी मैं भी अपने फ्लैट का नंबर बताऊं नहीं अच्छा तो चलो शुरू हो जाओ हाँ भाई कौन सा नंबर फ्लैट में रहते हो तुम 50 नंबर में अच्छा चलो चलो 50 नंबर चलो आप 132 चलो हाँ ठीक है चलो अभी जाइए लालू जी आपका क्या नंबर 72 नंबर चलिए आप 25 तुम किस नंबर चलो चलिए तुम कौन नंबर नंबर तो मालूम नहीं कौन सा माला तीसरा माला नहीं चौथा नहीं नहीं ऊपर ऊपर है बाबू इस बिल्डिंग में रहते हैं और नंबर नहीं मालूम छोड़ो मत भागने मत देना हमारे साथ बोलो 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 हमारे साथ बोल
अरे ये तो मानिक बाबू के बीवी के बच्चे के पोतड़े धोता है। अरे पोतड़े धोता है बाबा, समझे कि नहीं? देखा भी नहीं कि गाय है या बैल, और लोटा लेकर दूल्हे बैठ गए। माफ कीजिएगा, गलती सबसे होती है शशांक भैया। अच्छा भैया, अच्छा चलो 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 चलो। क्या नंबर है? 45 45। चलो चलो चलो, आप चलो नंबर बताओ। 72 नंबर जी। चलो चलिए साहब, माफ कीजिएगा। नंबर बताओ। 12 नंबर। चलिए आपका क्या नंबर? 16 नंबर। चलिए आप 27 जाइए। क्या नंबर? क्या नंबर? 27। ओ प्रदीप के यहाँ? अरे 27 तो चलो ना। नंबर 80। चलो कम 59। ठीक है आप जाइए। तुम 85। ठीक है चलो आप चलो। और बाबा समझे कि नहीं? ये तो एक एक करके सब पार हो गए, अब बाकी रह गए हैं बेचारे कैलाश बाबू, समझे कि नहीं? तो उन्हीं को चोर कहके पकड़ लिया जाए। चोर पकड़ने आए थे। ठेगा, अरे सती तूने तो चोर देखा था, इधर आ, देख पहचान कौन है इनमें चोर। सहमति क्या है? मैं खुद कहता हूं, देख देख ठीक से कौन है चोर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? जी कुछ नहीं, खुजली हो रही थी। ये खुजली उजली मैं खूब समझता हूं। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। चोरी पहचाना? पहचाना जी नहीं, इनमें नहीं है। अजी चोर कैसे पकड़ा जाए, जहां गुड़ होता है चींटे पहुंच ही जाते हैं। क्या कहा? क्या मतलब? हजूर यूं ही कह रहा था, मतलब यह कि हम गरीब लोगों को छुट्टी दीजिए, सवेरे सवेरे काम पे जाना होता है, और आप बाबू लोग चोरों सिपाही का खेल खेलिए। आओ भाई चलो। अरे चैन कहाँ गया? ए चैन, चलो। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, बिलीव मी। तो फिर गया कहाँ है? यही कहीं छुपा होगा। जवान लड़की कमरे में अकेली सोती है ना, मैं ताला लगा देता हूँ। वेरी गुड माम, बात बहुत इशारे रहना चाहिए। थैंक यू। चोर पकड़ना इतना आसान नहीं है, और ये मकान मकान नहीं सराय है, सराय कुछ मिलना चाहिए। बस लाओ टिकट लाओ जरा। नहीं
अरे ए, सुनो सुनो ए, 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 बड़ा मजा आ रहा है, क्यों? नौजवान हो ना, रात के वक्त लोगों के घर में घुस के समझे कि नहीं? खूब हाँ? चलो। अरे भाई, चोर आया है तो कानूनी कार्रवाई करो ना, पुलिस को खबर दो, वो जो चाहे करेंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चलो चलो, भागो भागो यहाँ से, भागो भागो। चल रे बूंदो। राधे श्याम राधे श्याम। अरे शशांक बाबू, क्या हुआ? महाराज, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये गोलमाल क्या है? जी कुछ न पूछिए महाराज, ये तो जवानी का खेल है, छोकरे छोकरियों की आंख मिचोली है, और फजूल के लिए यहाँ के बेकार लड़कों ने चोर चोर कहकर हंगामा मचा दिया, समझे? जी जी जी। लड़की कौन है? वो कैलाश बाबू की लड़की है। राधे श्याम महाराज। वो लड़का कौन है? लड़का वो मैं नहीं पहचानता महाराज। जी 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 जी। महाराज आपसे छोटा सा एक काम था महाराज, मैं और भी दो दफा आया था आपके दर्शन को, आप पूजा पर बैठे थे, बात यह है कि कल तो रेस का दिन है ना, एक टिप तो आपको देनी ही होगी। महाराज महाराज, बाहन का बेटा आपके पांव पकड़ रहा है, महाराज मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, अगर कुछ पैसे न बने तो बाहन का बेटा खुदकुशी कर लेगा कि आपको अच्छा मालूम होगा महाराज। उठो भैया उठो। नहीं महाराज, जब तक आप टिप नहीं बताते मैं आपको पैर नहीं छोड़ने का महाराज, नहीं। क्या मुसीबत है, मेरे कहने से क्या होगा, घोड़े मेरी बात सुन के दौड़ेंगे क्या? दौड़ेंगे महाराज, जरूर दौड़ेंगे। देखिए पिछले साल भी आपके कहने से ही वो लाल परी का अपसेट मुझे मिला था, 5 के 50, समझे कि नहीं महाराज? अगर आपका इशारा न होता तो क्या वो लंगड़ी घोड़ी कहीं दौड़ सकती थी? बस इस बार और दया कर दीजिए, आप जानते नहीं बड़ी मुसीबत में जान फंसी हुई है। देखिए न 6 महीने से घर का किराया नहीं दे पाया हूँ, बीवी है सो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वो ससुर के पैसों से घर का खर्चा चलता है, एक बार दया कर दीजिए महाराज महाराज। अरे महाराज की दया हो भी गई, खेलोगे कहां से, इतनी भारी रकम लगा सकोगे? लगा सकूंगा महाराज, जरूर लगा सकूंगा, जैसे भी हो मैं लगा सकूंगा, आप बताइए तो सही। राधे श्याम आ गया। आ गया? 6 नंबर की रेस। 6 नंबर की रेस? 8 नंबर का घोड़ा। 8 नंबर का घोड़ा? उड़न खटोला। हाँ उड़न खटोला महाराज, उड़न 50 लगाओगे 1000 पाओगे। 50 लगाऊंगा 1000। चरण छूने दीजिए महाराज, चरण छूने दीजिए, 50 लगाऊंगा। लेकिन आपकी 20 रुपए मेरे नहीं बोल। नहीं महाराज। राधे श्याम राधे। हे काली मैया हे काली मैया, 50 लगाऊंगा तो 1000। 1000 रुपए भी 2.5 रुपए भी चलाऊंगा काली मैया, मिला दे एक बार 50 के 1000।
करती है। हाय भैया मैं करती। चोर, चोर। हाय हाय क्या बोल रहा है? अरे चिल्लाती क्यों मुझे लड़का? समझी कि नहीं मैं हूँ मैं। तुम्हारे वो मैं समझी कि नहीं स्वामी स्वामी। हैं? तो तुम चोरी कर रहे थे? हाँ तो बाबा गला क्यों फाड़ रही हो? आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोलो? क्या लिया है वापस करो? मैं कहती हूँ वापस करो वरना चीख चीख के सारा घर सर पर ले लूंगी। हाँ लो 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 समझे कि नहीं। भला मैं चोरी क्यों करने लगा? मैं तो पैटर्न देख रहा था। पैटर्न देख रहा था जैसे मैं समझती ही नहीं। छी 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 रेस में सब कुछ गंवा कर अब मेरे बाप के दिए हुए गहनों पर नजर है। चिल्लो भर पानी नहीं मिलता डूब मरते को। मुंह समाप्त कर बातें करो समझे कि नहीं। बड़ी आई बाप वाली ऐसे गहने रिश्वत की कमाई से सभी बाप दे सकते हैं समझे कि नहीं। खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया तो खबरदार तो तुमने भी रेस का नाम लिया। तो लूंगी सौ बार लूंगी। चोर कहीं के बदतमीज औरत कहीं की। मैं बदतमीज तू बदतमीज मैं बदतमीज। खबर नहीं सुना स्वामी का बदन पर हाथ उठा दिया तुमने। अरे तुमने भी तो खटारी उठाई थी। अगर मुझे लगा हाय पानी 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 ¡Gracias!
माता हूँ। मुझे अकेले छोड़ के न जा। हे माता काली। सुनते हो? जल्दी नीचे आओ, मुझे डर लग रहा है। आओ जल्दी। अच्छा वो तो कहता है समझे कि नहीं कि चोर कहीं हमारे कमरे में तो नहीं छुपा है। अरे बाप रे, तुम वहां ना जाओ। लगे से जाए चोर सब कुछ उठा के ले जाए और हम रात भर यहीं खड़े रहे। नहीं नहीं, मैं तो मैं नहीं जाऊंगी। शशांक बाबू, ओ शशांक बाबू। जी आया। बात क्या है जी? अब क्या हुआ? अजी कुछ न पूछिए महाराज, वो चोर घुस आया था। कहाँ? वो हमारे कमरे में महाराज, हमारे कमरे में। पहले तो कहते थे कैलाश बाबू की बेटी। नहीं वो तो अब कौन है? हमारे ससुर की बेटी जी। छोकरा कौन है? तुम राधे श्याम। राधे क्यों जी, ये क्या कह रहे थे? मैं पूछता हूँ वो दाढ़ी वाला जिसे तुमने वो पलंग के नीचे छुपा के रखा था, वो कौन है? हाय राम, मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। सो रही थी? गहने पर हाथ रखा लेके फ्रांस से जाग उठी। सो रही थी तो जागी कैसे? हाय मैया, ये क्या ढोंग है? ये ढोंग की बच्ची, चलते सही अंदर, मैं बताता हूँ अभी। ढोंग में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। तुम कौन हो जी? हट जाओ मेरे संग। नहीं मैं हट गया। फिर मेरे सामने आ गए। मैं घर जाना चाहता, कल रात को भी नहीं गया। तुम चाहते मैं यही सो रहा हूँ? अच्छी बात है, यही सो रहा था। अरे भाई कौन नशे में? तुम ही अम्मे, हमें मजाक अच्छा नहीं लगता है। तुम जाओ जाओ ना यार, जाओ ना बाबा, जाओ। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह, इसीलिए तो मिलाई थी जीता हूँ पैसों में से। अच्छा भाई जरा आप तुम इधर आओ। अरे वाह मेरे मट्टी के शेर, तू तो मेरा कहना मानता है, मगर मेरी ब्याहता बीवी है ना, वो कहना नहीं मानती मेरा। तू बहुत अच्छा आदमी। और अरे तू तो बिल्कुल नंगा है यार, सब दुनिया वाले क्या कहेंगे। तुम मेरे घर चल, मैं तुझे बहुत सारे कपड़े पहनाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और सुनाऊंगा। चल चल चल। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला। अबे कहाँ भागता है तू, चल मेरे साथ, बदमाश कहीं का। खराब यार,
भाव मर जाना। वो कपड़ा नहीं देता। और औरतें पहनती हैं पतलून, तुम भी पहन लो जो भी जल्दी पहन लो। नखरत नहीं, क्या बात है, पहनते क्यों नहीं? ये ड्राम कहाँ से उठा के ले आए? ये ड्राम नहीं है, ये मेरा दोस्त, बड़ा समझदार दोस्त है, तुमसे ज्यादा समझदार। तुम मेरी एक बात भी नहीं मानती हो, ये मेरी सब बात मानता है। बता मेरे पास था। अरे आओ ना, तो आओ। नहीं आना, चिल्ला क्यों रहे? पड़ोसी क्या कहेंगे? कहेंगे, ये घर ही मनुष्य, इस दरवाजे की चौखट पर पांव रखते ही सब बिगड़ जाते हैं, तुम्हारे रंग में रंग जाते। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अजय कहाँ चले? मेरी बात को सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम मेरी बात सुनती हो, पत्नी होने पर भी मेरा कहना नहीं मानती हो, और ये चाहती हो कि मर्द होते हुए भी मैं तुम्हारी उंगलियों पर नाचता रहूं। भला कब मैंने तुम्हारी बात टाली है? अच्छा बताओ, उस दिन रात को तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? बोलो बोलो बोलो, जवाब क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब कल दूंगी, अब खाना खा लो। नहीं खाता, मुझे इस बात का जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तुमने मेरी बेइज्जती की मेरे दोस्तों के सामने क्यों? ऐसा बात करो, शोर मत मचाओ। जरूर मचाऊंगा, जोर बहुत सारा शोर मचाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हारी ये बात कैसे मान सकती थी? कोई भी बहू बेटी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं क्यों कर सकती? पत्नी अपने पति का हुक्म नहीं मान सकती? नहीं, अगर पति अपनी पत्नी को पत्नी न समझे, उसकी इज्जत आबरू का ख्याल ना करे, तो उसका हुक्म नहीं मान सकती। उस रात तुम चाहते थे कि मैं भी उन बाजार वालियों जैसी हो जाऊं, उन्हीं की तरह बेशर्म पोशाकें पहनूं, उन्हीं की तरह गैर मर्दों के साथ हंसू खेलू शराब पीऊं। कोई भी पत्नी सहन कर सकती है? पत्नी अपने पति की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो क्या खास कर सकती है? तुम समझते थे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मेरी बेइज्जती होगी तो इसमें तुम्हारा ही अपमान होगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है, क्या तुम्हें उसकी पवित्रता का बिल्कुल ख्याल नहीं? अच्छा बाबा, तुम ये रखो अपनी पवित्रता अपने पास, दिन रात खाना पकाओ, गृहस्थी का काम करो, पत्थर के देवताओं की पूजा करो, मगर ये तुम्हारा जीता जाता देवता है ना, चला हमें चाहिए। सुनिए तो। सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दो? नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जो मैं कहूंगा वही करूंगी। गाना गाओ, नाचो, दारू बोलो, दारू पियोगे? तुम मेरे स्वामी हो, तुम अपने हाथ से मुझे जहर भी दे दोगे, मैं वो भी पी लूंगी। चलो अब तो चलो। चल इधर बैठो।
वो तो बड़ी सुंदर। तुमने तो कभी मेरी तरफ आपको कहीं देखा भी नहीं। ओह फिर वही गाना कभी। अरे यही बातें तुम्हें बदसूरत बनाती हैं। नाना खेल नाना गाना हर वक्त रोने लगा। मैं कहाँ रोई हूँ? मैं तो नहीं रोती हूँ। मैं नहीं रोती हूँ। अरे बाबा नहीं रोती हो तो गाओ। अब मैं गाती हूँ। बात करना चाहता हूँ तो लंबे लंबे भाषण शुरू कर देती। जब कभी गाने के लिए कहा तो उठा के भजन शुरू कर दिया, कीर्तन शुरू कर दिया। तुम ही बताओ मैं क्या गाऊं? अरे बाबा कोई हिट सॉन्ग गाओ, ऐसा गाना गाओ जिसमें कुछ जान हो, कुछ तड़प हो, कुछ हो तो। मगर ऐसे गाने मुझे नहीं आते। ऐसे गाने मुझे नहीं आते। अरे बाबा मेरे घर में रेडियोग्राम है, रोज हजारों रिकॉर्ड लाता हूँ और हमारी मैम साहब कहती है कि हम हिट सॉन्ग ही नहीं मानो, किस चिड़िया का नाम खुश पता है। तुम्हें वो लोसी बाऊ का गाना सुना है?
सुना है तू वही सुना। आओ मेरे साथ बैठ जा। सुना फैजा, हमारे मूल का सत्यानाश कर लिया मेरे। अच्छा हो गया क्या? फटा फटा बोतले रहा है बड़े वहां बोलता है। अच्छा अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा मेरी जान, तुम कहां जाओगे बैठ के? सब ठीक हो गया। गा। लुशी भाई भाई, लुशी भाई भाई। इस वक्त रहने दो, मैं फिर गाऊंगी। नहीं, इसी वक्त गाना होगा। मेरा सिर दुख रहा है, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे सामने बहाने बनाती हो, तुम मुझे बहलाना चाहती हो, अच्छी बात। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, मैं गाती हूँ। नहीं गाया जाता, नहीं गाया जाता, नहीं गाया जाता। तो नाचो, खड़ी हो जा। चल, जैसे वो सिनेमा में लड़की नाचती है ना, वो ठुमका लड़की, वैसे नाचो। वो क्या नाम है उस लड़की का? सब लड़कियां एक सना थी। चलो ये घाघरा पहनो, चलो गड़बड़ नहीं करो, घाघरा पहनो। क्या करे, मेरा अपमान करके तुम्हें क्या मजा आता है? क्यों मेरी आत्मा को दुख देते हो? आत्मा? शास्त्र में लिखा है कि औरत की आत्मा ही नहीं होती, और जो चीज नहीं होती है उसका अपमान कैसे हो सकता है? चलो घाघरा पहनो, गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या करे, घाघरा पहनो, छोड़ो। नहीं घाघरा पहनो और नाचो। अच्छा मैं नाचती हूं, नाचो, मैं नाचती हूं। अच्छा जल्दी नाच। बोलो मैं क्या करूं, सब कुछ तो किया मैंने। हे मेरे प्रभु, अब बोलो तुम, और कितना गिरूं, कहां तक गिरूं? बोलो बोलो मुझे, क्या करूं मैं, क्या करूं? बोलो 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 मुझे। इतनी देर क्यों लगाती हो? जल्दी आओ ना, मैं रिकॉर्ड लगा देता हूँ। किधर गया मेरा लूसी भाई भाई? ये बात, चलो जल्दी आओ। अरे आती हो कि नहीं, ये खींच के लाओ। अरे आओ, देखो मैं तीन गिनता हूँ, नहीं आई तो मैं इस घर को कुरुक्षेत्र बना दूंगा। नहीं आती, अच्छी बात है। एक, दो, आ गए। भाई 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 भाई। अरे वहां खड़े क्या कर रहे हो? सामने आओ, मुझे देख लेते तो। मैंने जो ली अंगड़ाई, धीरे से मुस्काई, तेरी महफिल से सदाए आई। लोश भाई भाई, लोश भाई भाई, लोश भाई भाई।
अरे भागती क्यों हो, मेरे पास आ ना। मैं अकेली लाखों दीवाने दिल के, दिल के वार पे वार किए जाते हैं नजरें, मिलके जी मिलके जी मिलके मिलके। मैं अकेली लाखों दीवाने दिल के, दिल के वार पे वार किए जाते हैं नजरें, मिलके जी मिलके जी मिलके मिलके। देख लो मेरी छोटी सी जान पे कैसी ये आफत आई रे, आई रे। देख लो मेरी छोटी सी जान पे कैसी ये आफत आई रे। मैंने जो ली अंगड़ाई धीरे से मुस्काई तेरी महफिल से सदाए आए। गल गुलाबी आंखें मेरी नीलम की, नीलम की मैं हंसी लोग समझे कि बिजली चमकीर चमकीर चमकी। गल गुलाबी आंखें मेरी नीलम की, नीलम की मैं हंसी लोग समझे कि बिजली चमकीर चमकीर चमकी। मेरे लट लहराई कि जैसे मेरे लट लहराए के जैसे काली घटा लहराए। मैंने जली अंगड़ाई धीरे से मुस्काई तेरी महफिल से सदाए आए। लोश भाई भाई ओ लोश भाई भाई, लोश भाई भाई ओ लोश भाई भाई, लोश भाई भाई ओ लोश भाई भाई, लोश भाई भाई ओ लोश भाई भाई। लोश लोश बिल्कुल गए हो कहाँ? मेरा राम भी चोरी खेलती है। अच्छी बात, मैं भी बोला था मुझे कहाँ है तू, मुझे पता नहीं। मैं अभी ढूंढ लेता हूँ कहाँ जाएगी। यो क्या? अरे तूने अभी तक कपड़े नहीं पहने? ओ बाप रे, तभी तो मेरी बीवी भाग। अरे अभी बाहर नहीं आना, इसने कपड़े नहीं पहने, नंगा है वो भी। बताइए तू यहाँ मेरे घर में नंगा बैठे? अरे अरे चल लुट चलेगा, चल बीच रास्ते में ड्रम रख छोड़ा है, इस मंजिल वालों का जरा भी तमीज नहीं। हाँ जरा भी तमीज नहीं। काजू उस्ताद देख चक्कर लगा। बोलो राम नाम। क्या बात है, क्या बात है, ये शोर क्यों मचा रखा है? चोर पकड़ा गया क्या? जी नहीं, चोर नहीं, ड्रम। ड्रम? आपने इसे बीच रास्ते में क्यों रख छोड़ा है? मगर ये है किसका? वाह, आपके दरवाजे के करीब पड़ा है और आप पूछते हैं किसका है? ये मेरा नहीं, ये उस 136 नंबर वाले के काम है। कमबख्त ये छेद वाला ड्रम बीच रास्ते में पटक कर चला गया है। ओह अजी क्या बताएं, उसका काम ही ऐसा है, रोज सुबह झाड़ू देकर कूड़ा मेरे दरवाजे के सामने रखकर चला जाता है। अच्छा आप सब तो तगड़े तंदुरुस्त हैं,
बुलाकर उसके ढिगड़ी कस दीजिए ना। हाँ जरा जब थकला जब देखो फोन। क्या चाहिए? आपका ड्रम बीच रास्ते में क्यों रख छोड़ा आपने? मेरा ड्रम? जी हाँ आपका ड्रम। कहाँ? देखो जरा ये छेद वाला ड्रम। कैमरा नहीं उनका होगा। ये लो। अरे ये तो कहते हैं कि इनका नहीं है। कहते हैं जरूर उनका। लो कर लो बात, जितनी टूटी फूटी चीजें पड़ी हो वो उनकी नहीं मेरी है। इस मकान में रहते और 135 नंबर के नहीं पहचानता है। और ये छेद वाली बंदी देखकर भी नहीं पहचान सके भाइयों कि ये छेद वाला ड्रम किसका हो सकता है। सुनो तो भाई, चावल में पत्थर मिलाने की ठेकेदारी इनके पास है और चाय की पत्ती में भूसा मिलाने की ठेकेदारी इसके पास है। अच्छा यही बात? हाँ हाँ दुनिया जानती है चलियों का। देख लगा। अरे क्या हो रहा है? हटिए। सुनिए ये ड्रम आपका नहीं है? नहीं भाई। आपका भी नहीं है? नहीं। वो तो जी? जब ये इन दोनों में से किसी का नहीं है तो फेंक दे इसे उठा के बाहर। बोलो अगर ये किसी का नहीं है तो मुझे दे दो, घर गृहस्थी के काम आ जाएगा। ओ बेटा मसलू आइसे अंदर लेकर। खबरदार। हाँ, तुम ले जाएगा? मतलब ले जाऊंगा। तुमने तो कह दिया ये माल तुम्हारा नहीं है। अल्लाह मेरा अगर नहीं है तो क्या तुम्हारा हो गया? नहीं तुम्हारा हो गया। हर लवारिस माल का मालिक एक आप ही तो है। नहीं तुम है। अच्छा रखो हाथ में लगा। मैं कहता हूँ खबरदार 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 क्या है? बड़ी आई थी जितने वाली आज तो पानी जाता तो इतनी रात गए आपको क्यों तकलीफ देते? अजी वो तो बिल्कुल गायब हो गया। जी गायब हो गया? कहाँ? लो बोलो। गोली
है चोर? किधर है? जी जी वो तो नहीं मालूम। नहीं मालूम तो फिर बंदूक क्या चलाई? डर गया था साहब, इस जोर से छलांग लगाई उसने कि बंदूक छूट गई। किसने छलांग लगाई? चोर ने? जी नहीं, चोर ने नहीं, उस चूहे ने। एक गोली से चूहा मार दिया? खूब निशाना पाया है आपने। जी निशाना तो ठीक ही जमाया था, मगर गोली जा लगी मूर्ति को और उनके गिरने से चूहा मर गया। बंदूक दिखाइए तो। हाँ हाँ देखिए देखिए। लाइसेंस है? जी हाँ। जरा दिखाइए। हाँ जरूर जरूर। इस कमरे में कोई नहीं है साहब, कुछ नहीं है। इन पेटियों में क्या है? पेटी? पेटी कहाँ? ओह पेटी, झूला बनाऊंगा। ये लीजिए लाइसेंस साहब, उसमें कुछ भी हिसाब, सिर्फ पानी है, डिस्टिल वाटर। बदहजमी की शिकायत है ना, इसलिए 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 घर में भट्टी लगा रखी है। ए कांस्टेबल, इन सब पेटियों पर कब्जा कर लो और नीचे ले जाओ। रामधन देखो उस कोने में क्या रखा है, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेना। बुरोल बाबू, चोर पकड़ा गया क्या? अरे सेठ जी सत्यानाश हो गया। व्यास 62 नंबर फ्लैट। ओ बाप रे, तुम भी तो नकली दवाई बनाते हो। हटाओ जल्दी हटाओ। अरे पुलिस आ गई, क्या मालूम किस उल्लू ने खबर दे दी। बाहर निकालो बाहर निकालो। ओ बाप रे, खबर तो मैंने ही दी थी। पुलिस 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 पुलिस। हाँ हाँ मार हटाओ जल्दी पुलिस। हम लोग प्रेस की तरफ से आ रहे हैं। कहता हूँ आंखों देखी बात है, चोर थोड़ा था, डाकू था डॉग। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रेस रिपोर्टर। ये महाशय कौन है? ये डाकू के सरदार तो नहीं? जी नहीं, इनका धंधा शराब बनाने का है और अब गिरफ्तार होकर थाने जा रहे हैं। ओहो, लेकिन हमने तो डाकुओं की टोली के बारे में सुना था। स्टेडी प्लीज। थैंक यू। दैट्स ऑल। आई कांस्टेबल चलो। अरे ये क्या, आप चलिए इंस्पेक्टर साहब। तो फिर क्या करूं? क्यों, इस घर में चोर जो घुसा हुआ है। तो फिर इस बिल्डिंग के सब फ्लैट्स की मुझको तलाशी लेने दीजिए। हाँ जरूर लीजिए। पागल हो गए सैंडो बाबू, इस घर में हम सब लोग शरीफ रहते हैं, हम लोगों की इज्जत है, हमारी आबरू है। हाँ हाँ, तलाशी लेना क्या कोई बच्चों का खेल समझ रखा है? देख लिया आपने, ये लो। लेकिन चोर जो घुसा हुआ है तो इसमें क्या हुआ? तुम लोग नौजवान हो, वॉलंटियर बनो, पहरा दो, यंग मैन हो, अपने पांव पे खड़ा होना सीखो। हाँ हाँ, हर बात में तुम लोग दूसरों का सहारा क्यों लेना चाहते हो भाई? अरे देश में इतने कम्युनिटी प्रोजेक्ट देखते हुए भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। अच्छा आप जैसा मुनासिब समझे कीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग बिजनेसमैन हैं, जो काम भी करते हैं कानून से बचकर करते हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ जाओ 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 जाओ, वॉलंटियर बना वॉलंटियर बना। अच्छा तो आप इंस्पेक्टर साहब। ए चलो। फटे पुराने कपड़े, लंबे लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। कितनी लंबी दाढ़ी? मैंने क्या नाप के देखी थी? फिर भी अंदाजन। जाओ उस्ताने लेके आके वो खिलौना लाना दो। समीर जल्दी जाके पुलिस को टेलीफोन करो, आज मैं हर एक घर की तलाशी लूंगा, हर एक घर की तलाशी लेकर छोड़ूंगा। क्या हुआ क्या हुआ विजुन बाबू? हाँ भाई वाह, पूछते कि क्या हुआ, खुद तो चालाकी करके पुलिस को वापस भेज दिया और पूछते कि क्या हुआ। आज वो चोर मेरे घर में घुस आया था, मेरे बच्चे के गले से सोने की जंजीर खींच लेनी चाहिए, अगर उसको कुछ हो जाता तो उसके कौन जिम्मेदार होता? आप होते। पर वो चोर है कहाँ? वाह पूछते कि चोर है कहाँ, वो एक बच्चा बताएगा आपको कि चोर कहाँ है। तुम क्या कर खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जल्दी जाके पुलिस को कहो कि वारंट लेके आए। आज आ रहे जाइए विजन बाबू, जरा ठहर जाइए, धीरज से काम लीजिए, मुसीबत अकेले आप ही के घर में नहीं है, सबके घर में है, ऐसे वक्त पर जरा संभाल कर काम लेना पड़ता।
जो कुछ कदम उठाना पड़ेगा सब सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। सच कहा आपने, पुलिस अगर एक बार हम लोगों के घर में घुस आई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हम लोग अपने घरों की रक्षा खुद नहीं कर सकते? क्या हम लोग चूड़ियां पहन कर बैठे? हाँ, आज ये बात हुई ना। अरे मैं कहता हूँ ऐसे मामलों में तो बलिहारी जाओ, चंदा लेने के लिए तो झट से घर में हाजिर हो जाते हो। आज बिहार में बाढ़ आई, कल आसाम में भौचाल आया, और घर में जो भौचाल आता है वो कौन देखने वाला है? हुआ क्या है? मैं कहता हूँ सैंडो बाबू की सेवा दल बनाओ, वॉलंटियर्स तैयार करो। अरे ऐसी मुसीबत में अगर तुम लोग लाठी लेकर नहीं खड़े हुए तो क्या फायदा तुम्हारी कसरत का और हमारे चंदे का? जाओ वॉलंटियर्स बनाओ, लड़कों को ले जाओ, जाओ जल्दी वॉलंटियर्स बनाओ, मैं भी पूरे 30 रुपए चंदा दूंगा। जाओ 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 वॉलंटियर्स बनाओ, जाओ जल्दी करो, अभी जाओ। फौजा कितो आई रहे राजे, तलवार कितने जे? सुनिए सुनिए, एक और बहुत जरूरी बात आप लोग सब सुन लीजिए। अपने दुश्मन की शक्ल अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि देखते ही उसकी गर्दन कैक करके पकड़ सके। उसके कपड़े फटे पुराने, चेहरे पे बिखरी हुई दाढ़ी, आंखें भयानक जानवर की तरह डरावनी, सर पे बड़े बड़े बाल। आप लोग मन ही मन में इस चेहरे को अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि वो किसी तरह भी आपकी नजर से बचकर ना निकल जाए।
बोलिए, एक बार फिर सब लोग बोलिए, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे, हम रेडी रेन चंद डबल लाइन कर लीजिए, रेडी वन टू ये रहा वो ड्रम जिसमें चोट छुपा हुआ था इसमें जी हाँ लेफ्ट लेफ्ट भैया राज माने वाले अपने राम बाबू है ना राम नारायण मणि उन्होंने ऐलान किया जो चोर को पकड़ेगा दो तोले सोने का मैटिनियम मिलेगा दो तोले सोना मैं चला सुन तो अपने ग्रुप 15 को लेकर फौरन नीचे चले जाओ सब वॉलंटियर से मेडल की बात कह दो और उनसे कहो कि अब सिर्फ नीचे पहरा देने से काम नहीं चलेगा अब तो एक एक कमरे और एक एक घर की तलाशी लेनी होगी किसी को भी बगैर पहचाने हुए मत जाने देना याद है ना एक बार तो बेटा ड्रम में छुप गया था इसलिए अब हर कमरे में जो कुछ भी मिले ट्रंक बक्स अलमारी सब खोल खोल के देखना अगर किसी ने इनकार कर दिया तो इनकार इतने लोगों की इज्जत और दौलत का सवाल है और वो इनकार कर देंगे जबरदस्ती देखना बोलना मेरा हुक्म है तो जैसे भी हो ये मेडल मिलना ही चाहिए नहीं तो नाक कट जाएगी जान लड़ा देंगे उस्ताद ग्रुप 9 आप चारों इस पूरी मंजिल के जिम्मेदार हैं आप लोगों के पास कृपाने हैं खबरदार चोर कहीं भाग के ना निकल जाए ओके करने करो बाबू जी जाइए आओ जी आओ बाकी वॉलंटियर्स फॉलो मी लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट चोर का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई ओके को छोड़ दोगे वाह देख लगा चोर रूम पर आज चोर बनया फिरता है वो क्यों भाई वो मेडल दी की गलबात है और जरा कोई चोर नू पड़ेगा उन्हें दो तोले सोने का मेडल इनाम मिलेगा वो दो तोले सोने का आहो हम मेडल दी गल करते हो हम मेडल अपना ही है और केड़ा तेरा मेडल है असि मर गए मेडल ले जान वाले अरे आन दे चोर नू देखी मेरे हाथ ऐतरों गया ते टिंगड़ी ओ मथा फाड़ देंगा बाटी बाटी कर देंगा मैं आंदी अब पल्ले ओ शेरा जे किसी चोर ने गुदगुदी कीती ता अतुल बाबू अतुल बाबू दरवाजे खोलिए अतुल बाबू दरवाजे खोलिए हमें घर पैक करना है आए खोल है अरे छाला आया अरे खोलता हूँ क्या चाहिए तलाशी लेनी है काहे की तलाशी हट जाइए कपड़े ठीक कर लीजिए हमें सर्च करना है सच सच नहीं पिंडा मार रहे हैं किशन तुम राम बाबू को जानते हो ना राम बाबू कौन राम बाबू यानी जिन्होंने मेडल डिक्लेयर किया हाँ 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 मैं जानता हूँ देखो तुम अपने ग्रुप 20 को लेकर उनके पास चले जाओ वॉलंटियर्स के लिए चंदा वसूल करके लाओ सेंडो भैया सेंडो भैया सेंडो भैया क्या क्या हो चोर पकड़ा गया नहीं नहीं चोर नहीं अफीम अफीम अतुल बाबू के घर की तलाशी लेते वक्त दो बड़े बड़े अफीम के थैले पकड़े गए कहने लगे 200 रुपए चंदा दे देता हूँ छोड़ दो किसी से कहना मत अरे कौन अतुल बाबू अरे वही 118 नंबर वाले गंजे अतुल बाबू मैं तो चला किशन मैं नीचे जाता हूँ तुम फौरन जाके चंदा वसूल करके लाओ 25 रुपए नहीं 100 रुपए से कम मत लाना 100 रुपए बाकी वॉलंटियर्स मेरे पीछे आओ डबल मार्च राम बाबू जगह हैं क्या हम सब यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनसे कुछ जरूरी काम है बेटी यार ये लोग इतना पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं क्यों नहीं करेंगे ये भी कोई अनपढ़ आवारा है जो हमारी तरह बैठ के फुटपाथ पे मक्खियां मारते हैं बड़े विलायत पास लोग हैं 7 बरस अमेरिका में था वहीं तो पैसा कमाना सीखा है क्यों भाई कैसे आए वॉलंटियर लोगों के लिए चंदा चाहिए साहब रात भर जागना है ना कुछ चाय पानी का इंतजाम करना पड़ेगा आपसे तो 20 रुपए लूंगा साहब नहीं नहीं 100 रुपए से कम नहीं लूंगा 100 रुपए ओफो इतनी बड़ी रकम अच्छा दूंगा 20 रुपए दूंगा लेकिन चोर पकड़ने के लिए क्या किया चोर तो जरूर पकड़ा जाएगा साहब वो कहां भाग सकता है पहले और दूसरे माले पर हर कमरे की तलाशी ली जा रही है अब तक तो शायद तीसरे माले पर भी पहुंच गए होंगे
हर कमरे की तलाशी ले रहे हो क्या? हर कमरा क्या साहब, कमरे का कोना कोना छान रहे हम लोग। जी हाँ, अपनी अतुल बाबू है ना, उनके घर से पाकिट के पाकिट अफीम निकली है ना रे? जी हाँ। किस तरह से तलाशी लेने को किसने कहा है तुमसे? आपने तो मेडल का ऐलान किया है ना, तो सुन के लोग शिकारी कुत्तों की तरह हो गए। अभी आपके यहाँ भी तलाशी होगी, आप देखिएगा। ओ अच्छा, तुम लोग जाओ। तो फिर साहब वो आपका चंदा? कह तो दिया मिलेगा। बेरा बेरा, बेरा बगैर मेरे हुक्म के दरवाजा ना खोलना। कितने छप गए? जी 10 के नोटों के ऑर्डर सब पूरे हो गए, 5 के नोट अब शुरू किए हैं। 5 रुपए का नोट का कितना ऑर्डर है? जी आसाम 5,000, बिहार 7,000 और यूपी 11,000। जो हो गया सो हो गया, और छपेगा नहीं। मशीन खोल दो। ये क्या साहब, कल सुबह तो सारे माल की डिलीवरी देनी, उसी हिसाब से तो सारा इंतजाम किया था। जो कहता हूँ वही करो। डॉक्टर यकीनन नशे में पड़ा होगा। जाओ मदन, उससे कहो कि यहाँ बड़े खतरे की बात हो गई है, नोट और नोट के ब्लॉक वगैरह यहाँ से फौरन किसी तरीके से हटाना होगा। जाओ जल्दी जाओ। ओ एवे दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओए एवें दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर बोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले, तकदीर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के, ज्ञानी ज्ञानी दया धर्म दे बंदे, राम नाम जप दे ते खांदे गौशाला दे चंद। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले, फांसी चढ़ दे वेखे हो, ओ सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, झूठा मौज उड़ावे। ओ लोकी कहिंदे रब दी माया, मैं कहिंदा अन्याय। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
बचके पलाजी बचके मैं क्या सरदार जी बैठो तो बैठो माशाओ ओ मैं क्या सरदार जी तुहाडा इसम शरीफ सरदार जी ओ तुहाडा नाम की जे ओ दंद कट रहे हैं ओ मैं पूछना तेरा नाम की है ओए फौजां गुंगियां ने ओए बैरियां ने ओए सप सुंगे सरदारा ओए जवाब क्यों नहीं दिंदा ओए तू ओ तू कौन है ओए बोल ओए बोल ओ नहीं तो तेरा आप ये हमने कुछ गुदानियां दे मैं बोल रहा हूं मैं कुछ अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का पागल आदमी ओ चल अपने को गुदानियां दे ओए पागल अपने 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 ये तो हंसते हंसते मर गया ओ सरदार जी ये क्या कीता तुम सरदार जी ऐसे नहीं होगा इसको ऊपर ले चलो अस्पताल में राम बाबू की सेवा आश्रम में तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो ये चोर भूत की बात झूठ है इतने लोग हो हल्ला मचा रहे हैं सचमुच चोर होता तो कब का पकड़ लिया गया बात असल में ये है कि आप जैसे किसी भले मनुष्य ने नशे में चोर देखा होगा नशे की बात झूठी होती है तो सच भी तो नहीं होती सच इस दुनिया में सच क्या है भाई तुम तुम्हारे बाप के बेटे हो और तुम तुम्हारे बेटे के बाप हो तो तुम क्या हो बाप या बेटे हैं ये देखा ये है श्री राम नारायण मल्लिक जाली नोट बनाते हैं फिर भी कहलाते हैं राम बाबू अरे कहाँ है इनमें राम और कहाँ है बाबू और लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं सारी जिंदगी में मैंने कभी मेडिकल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा फिर भी हूँ मैं डॉक्टर हंसते हो और तुम देखा है कभी अपना चोपटा आईने में देखते ही लड़कियां बेहोश हो जाएंगी फिर भी तुम्हारा नाम है मदन अरे बाबा इस दुनिया में जो कुछ है सब सच फिर काहे का झगड़ा है डॉक्टर बाबू ये आपकी बातें तो सब साइंटिफिकल है ये क्या अरे कुंभकरण को क्यों खींचे ले आ रही है अरे क्या हुआ क्या अरे अरे कहाँ जा रहे बोलो तो सही क्या हुआ देख लिया ना राम बाबू से कह दे इस आफत को टाल कर मैं अभी आता हूँ क्या बात
डॉक्टर साहब हंसते हंसते बेहोश हो गया। चलना बड़ा है, पता नहीं क्यों गया। काम आओ। मैंने कहा ना, एक एक करके बात करो। क्या बात है? डॉक्टर बाबू होश में आते ही गुगु करके फिर बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है? जी। कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। क्यों भीड़ लगा रखी है? पकड़ा गया? अरे पकड़ा गया? चोर, खामोश, खामोश, क्यों चोर बचा रहे हो? ये अस्पताल डॉक्टर जी और सरदार नहीं, सी चोर, सी चोर। अरे चोर खा से बाहर जाकर पकड़ो। चलो चलो, यहाँ क्या है? चलो चलो, क्या कहता हूँ मैं? चलो चलो भागो, यहाँ से चलो भागो, चलो 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 जाओ चलो। आपने क्यों आने की तकलीफ की? मैं तो अभी आ ही रहा था। उस बेचारे की हालत बहुत खराब है, अब उसे घर में कैसे रखो? अस्पताल में लाना ही पड़ेगा। कौन बीमार है राम बाबू? क्या बताऊं भाई, मेरा जो महाराज है उसका एक भाई कुछ दिन पहले देश से आया था इलाज कराने। उसे दिल की तो बीमारी थी ही, लेकिन इस चोर के हंगामे में उसे दौरा पड़ गया। आप चलिए अंदर, मैं अभी आ रहा हूं। चलो 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 चलो। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं सर? देखो डॉक्टर, मेरी नौकरी करना है तो मुझसे बहस ना करो। चलो उससे चले चलो, वहाँ ब्लॉक वगैरह उस पर रख के यहाँ ले आते हैं। घंटे पर बाद तुम्हें एक टेस्ट सर्टिफिकेट लिख देना और मेरा इशारा पाते ही एकदम राम नाम कहते हुए मच्छी बाजार के अड्डे पहुँचा देना। कहीं ना रुकना, एक सांस में पहुँचा देना, समझे? यस। चलो सामान ले लो। दरवाजा बंद करो। इसको खोलो। बंसी, हम स्ट्रेचर लेकर आ रहे हैं, तुम सबको तैयार रखो और बदन से कह दो कि यहीं से नोटों की गड्डियां हाथों हाथ दे दे। अच्छा। नहीं रहा और है? नहीं नहीं। अच्छा, तो मशीन खोल कर रखो, हम और डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर आते हैं। बंद करो, तुम स्ट्रेचर लेकर नीचे जाओ। ठहरो, इस कमरे की चाबी हमें दो। Thank you.
जल्दी करो, देर क्यों लगाते हो? लो ये ब्लॉक उठाओ, ये ब्लॉक रह गया है, इस ब्लॉक को उठाओ, जल्दी करो। हाँ बंशी, स्ट्रेचर पर लेट जाओ, उसको ज्यादा उड़ा दो, जल्दी करो। चलो डॉक्टर, इसको ऊपर अस्पताल ले चले। जल्दी करो मदर, मदर। क्यों भीड़ लगा रहे हो? बेचारा बहुत बीमार है, जाओ। क्या चाहिए है? क्यों भीड़ मचा रखी है? उस बेचारे की जान जा रही है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। जाओ जाओ कहता हूं ना। वाह वाह, चलो भाई चलो। चारपाई ले आओ, इसको हटाओ। इस पर नोट रखो। जल्दी करो। डॉक्टर, आपसे सारा जिम्मा तुम्हारा। मेरा नहीं तो क्या मेरा? जल्दी करो। ठीक है, मेरा इशारा पाते ही चारपाई कंधे पर रख के एकदम गेट के बाहर रास्ते पर चले जाना, कहीं भी ना रुकना। जी बंदी चार बाबू और बड़ाल बाबू आने दो यहाँ। नहीं, यहाँ कैसे आ सकते हैं? मेरा उनका धंधा एक जैसा है, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट चीजें उनको क्यों दिखाऊं? तुम जाओ उनसे बात करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा मदन, तुम दोनों जाओ, डॉक्टर पर नजर रखो। अच्छा जी। चलिए बाहर बैठते हैं, राम बाबू अभी आए। हाँ, राम बाबू से तो हमें कोई मतलब नहीं, मतलब तुमसे है। डॉक्टर जी, चारपाई चाहिए, बहुत जरूरी काम है। चारपाई? ये तो बहुत मुश्किल है। आज रात चारपाई किसको किसको दूं? क्यों? चारपाई एंगेस्ट। और क्या कह रहा हूँ, राम बाबू का माल जा रहा है। पहले ही एक डेथ सर्टिफिकेट मैं राम बाबू के लिए लिख चुका हूँ, मेरा आप ही बताइए एक रात में मैं कितने डेथ सर्टिफिकेट लिख सकता हूँ। वाह, जब भी हमें दरकार पड़ती है तो सुनते हैं कि राम बाबू का माल जा रहा है, राम बाबू का माल जा रहा है। नहीं, नहीं, इस तरह अपना धंधा कैसे चलेगा? आखिर हम जो अस्पताल को इतना पैसा देते हैं वो किस लिए? बड़ाल बाबू, दिमाग लड़ा के ये अस्पताल स्टार्ट किया मैंने, इसमें 80% रुपया है मेरा, तो काम भी मेरा ही सबसे पहले होगा। तो हमने पैसे किस लिए लगाए? इन बेकार की बातों को छोड़िए दुनीचंद बाबू, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं आज हमें चारपाई मिलेगी या नहीं। बड़ाल बाबू, मुसीबत पड़ी तो ठंडे दिमाग से काम लो, जो आके दिखाने से कोई फायदा नहीं। नहीं 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 राम बाबू, ये आप कैसी बातें करते हैं? आप अकलमंद हैं, बुजुर्ग हैं, गुस्से में ऐसी दो दो बातें हो ही जाया करती हैं, लेकिन आज तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। कोई रास्ता निकालिए राम दादा, चारों तरफ तलाशी हो रही है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारा माल तो मामूली है। अरे दादा, माल तो मामूली है पर मुसीबत तो मामूली नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना माल मेरे कमरे में पहुंचा दो, सारी जिम्मेवारी मेरी, अगर तुम्हें हम पर विश्वास हो। अरे राम दादा, आप तो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं क्या? लोग ये जानते कि एक मैयत पड़ी हुई है, तुम लोग हंस रहे हो। अच्छा, तो चारपाई पर माल मतलब पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, जाओ अपना माल मेरे यहाँ पहुंचा दो, जाओ जल्द जाओ। आप इस झंझट में क्यों पड़ा है राम बाबू? डॉक्टर, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करता, तुम मेरी नौकरी करते हो। कहो क्यों? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अकलमंद है। हाँ, इन्हें भी डांट दिया था ना, कहीं बाहर जाके ऐसी वैसी बातें ना करें, इसलिए ने फिर मुट्ठी में ले लिया। ओ हाँ, चलो
मैयत रवाना करने की तैयारी करें। नहीं नहीं, आप जाकर पहले मैयत की खबर फैलाइए, फिर मैं चारपाई लेकर बाहर आता हूँ। अच्छा, तो ये लो, सारा जिम्मा तुम्हारा। चंदो बाबू शायद उधर गए। सुनो, चंदो बाबू से चुपचाप जाकर कहो अगर वो चोर को पकड़ना चाहता है तो दुधीचंद बाबू से इसी वक्त मुलाकात करो। मतलब? मतलब राम बाबू बहुत गर्म हो गए हैं ना, इसीलिए ठंडा करना चाहता हूँ। क्या हुआ राम बाबू? क्या बताऊं भाई, इतने दिनों का पुराना नौकर बेचारे को गांव से बुलाया था, न जाने क्या हुआ, यकायक मर गया। यह है हमारे राम बाबू, श्री राम नारायण मलिक। इन्होंने ऐलान किया है जो शख्स चोर को पकड़ेगा उसे 2 तोले सोने का मेडल इनाम मिलेगा। अच्छा, जस्ट अ मिनट प्लीज। अरे भाई हटो ना, जस्ट अ मिनट प्लीज, डोंट मूव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सोने का मेडल, अरे खबर नोट कीजिए, इनका एक पुराना नौकर दिल का बहुत कमजोर था, बेचारा चोर से लड़ते लड़ते बेहोश होकर मर गया। मर गया जी? क्या आप लाश को दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, डॉक्टर को बुलाए। वो रही चार पाई, वो रही चार पाई, हाथ उठा लो, फोटो खींचनी है, हाथ उठा लो, फोटो खींचनी है, हाथ उठा लो, फोटो खींचनी है, हाथ उठा लो, फोटो खींचनी है। ये हंगामा क्या है? अरे ये अस्पताल, चलो भाग यहाँ से। आप क्यों खामखा दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, खुद भी तकलीफ उठा रहे हैं? क्या हो गया? चोर को हम देख कर आए हैं अस्पताल में। सच? अपनी आंखों से देख कर आए हैं। कहां पर है अस्पताल में? ये सब मत पूछिएगा, हर ढकी हुई चीज को अच्छी तरह खोल खोल कर देखिएगा। अगर वहां नहीं मिला तो? अगर चोर ना मिले तो हम भी 2 तोले असल सोने का मेडल देंगे भाई साहब। मगर हाँ, बहुत से लोग साथ में लेकर जाइएगा और अच्छी तरह डांट टपट से काम दीजिएगा। फिक्र न कीजिए, ये जरा कपड़ा हटाओ, फोटो लेना। फोटो क्यों? फोटो नहीं होगा। हमें प्रेस के लिए फोटो लेना है, इसमें आप लोगों को इतराज ही क्या है? इतराज? नहीं नहीं, बात यह है कि ये कोई आगरे का ताजमहल तो नहीं है जो कि आप फोटो लेना चाहते हैं। फिर भी लेना चाहूँ तो? नहीं नहीं, मैं अपने भाई की तस्वीर नहीं लेने दूंगा, हम लोगों को मर कर भी चैन नहीं। दादा रे, देख लिया ना क्या कर डाला आपने, आप इंसान है या? अरे भैया सुनो 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 सुनो, 1 सेकंड तो लगेगा, इधर तुमने मुंह खोला और मैंने झट से फोटो ले ली, अखबार में फोटो छपेगा, सब लोग देखेंगे। ना ना बाबू, हमारी बिरादरी में मना है, मरने के बाद मुंह नहीं दिखाते, सीधे सीधा पर। हटाइए ना, देखते हैं इनको इतराज है फिर क्यों जिद करते हैं। मगर इसमें इतराज करने की बात ही क्या है? बेशक इतराज की बात तो है ही, विश्वास धर्म संस्कार के मामले बड़े नाजुक होते हैं, इंसान की भावनाओं से खेलना कोई मजाक नहीं है। कमाल है, सिर्फ तस्वीर ही तो लेना है। सुनो भाई, अगर कपड़ा हटाए बगैर तस्वीर ले लूं तब तो कोई एतराज नहीं। अच्छा तो फिर ले लीजिए जल्दी से, नहीं तो हम होते लग जाएंगे। ये बात हुई ना, रेडी? 1 मिनट लगे। रेडी? यस यस यस। एक मिनट, मैं 1 2 3 कहते ही कपड़ा हटा दूंगा, मत से फोटो ले लेना। ओके या बेटा, ये हाथ ये, रेडी रेडी, 1 2 3। चलो 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 भाई चलो। वॉलंटियर्स तलाशी बंद करो, चलो मेरे साथ आओ सब, जल्दी करो जल्दी, क्विक। मैं सारी जिम्मेवारी तुमको दे गया था, फिर ये आदमी कहां से आया, ये कौन है बताओ? मैं कुछ नहीं जानता राम बाबू, ये कब आया कब छिपा कुछ नहीं जानता। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो डॉक्टर, तुम जानते हो कि मेरा नाम है राम मलिक। मुझ पर यकीन कीजिए सर, आई स्वेयर मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। लोग ये जानते कि यह मैयत है, प्रेस लॉकर पर फोटो भी ले जा चुके,
सचमुच की एक लाश मिल जाए तो उस पर अर्जी क्या है? क्यों डॉक्टर? यस, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मदान, इसे खत्म करना ही होगा। अगर लवानों संभाल के साथ अगर लाश भी मिली तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इसका क्या कीजिएगा, इसने सब कुछ देख लिया। चीखो मत, तू चोर है ना, तुझे रुपया चाहिए। हाँ मैं दूंगा, बहुत सा रुपया दूंगा। चल हाँ। ये सब कुछ अंदर ले आओ। रुपया चाहिए ना, इधर लो, हम देते हैं रुपया। मदन पाचे चादर एक साथ बंद कर लो, और लो, और लो तुम रुपया देते जाकर इसकी कमर में सब ब्लॉक बांधो जल्दी। और कितना चाहते लो, ये लो डॉक्टर, जल्दी बांधो कमर। Oh!
तुम जल्दी से छत पर चले जाओ। अंशी, तुम इस पाइप के जरिए छत पर चढ़ जाओ, शायद अकेला मदन उसको न मार सके। लो ये लो, इसके पहले के कोई और उसको पकड़े तुम उसको खत्म कर देना, समझे? खत्म कर देना जी। और देखो तुम्हें कोई देखने ना पाए जी। मुझे क्यों मारते हैं? मेरा कसूर क्या है? गरीब किसान का बेटा हूं मैं, नौकरी ढूंढने शहर में आया था, प्यास से मेरी छाती फट रही थी, दो घूंट पानी पीने आपके मकान में आ गया। यही मेरा कसूर है ना, जो आप लोग मुझे चोर चोर बोलकर इस तरह पीछे पड़ गए जैसे मैं आदमी नहीं हूं, बावला कुत्ता हूं। मैं चोर हूं, इतने बड़े मकान में मैं जहां भी गया हूं वहां हर रकम का चोर और हर किस्म की चोरी मैंने देखी है। इज्जत आबरू के चोर देखे, अपनी 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 घरवाली के जेवर चुराने वाले देखे, शराब बनाने वाले, नकली लोट चापने वाले, कितने पाप आपकी जराफत में भरे हुए ये मुझसे पूछो। आप तो पढ़े लिखे बड़े आदमी है, मुझ गंवार को यही शिक्षा दी कि बिना चोर बने कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो ठीक है, गरीब किसान के छोकरे ने आज यही सीखा कि चोर बनूं, गुंडा बनूं, डकैती करूं, बेईमानी से रुपया कमाऊं और तुम्हारी मुंडी पर अपना पांव देकर तुमसे बड़ा आदमी बनूं। यही बनूंगा मैं, यही बनूंगा। Thank you.
ये क्या? तुम्हारा शर्ट फट गया, खून निकल रहा है। ए, देखो देखो देखने दो ना, देखो देखो कितना खून, और तुमने दवाई भी नहीं लगाई। तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी नहीं? मेरी माँ नहीं। तुम्हारी माँ नहीं? सुनो सुनो, तुम रोते क्यों हो? तुमने क्या चुराया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम मेरी चूड़ियाँ चुराओगे? मैं किसी से नहीं कहूंगी। लो लो ना। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, मुन्नी बिटिया, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया मुन्नी बिटिया। Yeah.
नगर गलियां जानी नगर नगर सब गलियां जानी नगर 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 नगर